गुड इवनिंग वंस अगेन टुडे आई हैव ब्रॉट सम डेली यूज सेंटेंसेस फॉर यू ऑल बट वन थिंग आई वांट टू स्टार्ट दिस वीडियो विद अ मैसेज दैट बिग ग्लोबल एवरीबडी वांट्स टू इंप्रूव इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एवरीबडी वांट्स टू इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स नाउ डेज सबका सपना है वो अच्छा इंग्लिश बोले नाउ डेज वॉट इज हैपनिंग एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश कुछ लोग बेहतरीन इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन दिक्कत क्या है दे डोंट नो दे आर कन्फ्यूज हाउ टू स्टार्ट स्टार्ट कैसे करें कभी कभी दिमाग में ऐसा आता है कि हम ग्रामर पहले पढ़ लें तब जाकर इंग्लिश बोलें लेकिन मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं इन सेंटेंसेस के साथ वो टिप्स हैं कि सिर्फ आप ग्रामर का इंतज़ार ना करें आप जो भी बोल सकते हैं आपसे जो भी हो सकता है स्टार्ट टू स्पीक फ्रॉम टुडे तो चलिए क्या बोलेंगे आप आज मैं आपके लिए स्पेशल सेगमेंट लेकर आया हूं कि आज जो भी सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं ये सारे सेंटेंस स्टार्ट होता है सारे सेंटेंस बनता है हिंदी में कैसा से कई बार हम पूछते हैं आप कैसे हैं कई बार पूछते हैं यह कैसे होता है कई बार हम पूछते हैं कि तुम जब कोई चीज खाते हो तो यह खाने में कैसा लगता है ध्यान दीजिए एक वर्ड कॉमन है और वो वर्ड है कैसा कैसे कैसी तो आज जो भी सेंटेंसेस मैं आपके लिए लाया हूं वो कैसे जिसको कि इंग्लिश में हम हाउ बोलते हैं उससे रिलेटेड है चलिए आते हैं सेंटेंस पर और सीखते हैं कि हाउ का यूज हम कैसे कर सकते हैं और यह जो कैसा वर्ड है इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं फिर मैं बताता हूं कि ये डेली यूजे सेंटेंसेज सिर्फ डेली यूजे सेंटेंसेज नहीं है आप ग्रामर का इंतजार ना करें बल्कि अगर आपको लगता है कि दिन भर में इस दस सेंटेंसेज को हम गुनगुना सकते हैं इस दस सेंटेंसेज को हम बार बार यूज कर सकते हैं यूज करें आज से स्टार्ट करें चलिए सेंटेंसेज पर आते हैं पहला सेंटेंस है बहुत ही कॉमन सेंटेंस आपकी इंग्लिश कैसी भी हो आप जरूर यूज करते हैं हालचाल के लिए हम पूछते हैं आप कैसे हैं आप कैसे हैं जब आपको पूछना हो तो इसकी इंग्लिश क्या होती है वेरी इजी आप कैसे हैं को इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउ आर यू मतलब अगर आपको यह पूछना हो आप कैसे हैं हाउ आर यू सिंपल सेंटेंस और हालचाल की बात जब हम करते हैं किसी से कि आप कैसे हैं यू का यूज करते हैं दूसरा सेंटेंस पास्ट में है आप कैसे हैं या तो हम पूछ लेते हैं आर यू कभी कभी हम पास्ट में भी पूछते हैं आप कैसे थे तो आप कैसे थे के लिए हम क्या यूज करेंगे फिर वही कैसे के लिए हाउ का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट है पास्ट में हम वर का यूज करते हैं ये वही वर है जिसे लोग प्यार से गलत अंदाज में वेयर प्रोनाउंस किया करते थे तो आप कैसे थे चूंकि यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ वर का यूज करते हैं डब्ल्यू आर ई आप कैसे थे हाउ वर यू अगले सेंटेंस की तरफ बढ़े हम देखते हैं आपके पिताजी कैसे हैं अब यू की बात हो गई हम एक दूसरे से पूछ लिए आप कैसे हैं अब पूछते हैं जहां थर्ड पर्सन का यूज हो थर्ड पर्सन हम किसको बोलते हैं थर्ड पर्सन हम बोलते हैं जब हम नेम की बात करते हैं किसी जगह का नाम हो किसी इंसान का नाम हो कोई प्रोफेशन का नाम हो वो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में अगर पूछना हो चूंकि हम वर का यूज कर चुके आर का यूज कर चुके इज का भी यूज तो होना चाहिए तो अगर आप बोलते हैं कि आपके पिताजी कैसे हैं आपके पिताजी के लिए इंग्लिश होगा योर फादर आपके पिताजी कैसे हैं हाउ इज योर फादर सिंपल सेंटेंस आपके पिताजी कैसे हैं हाउ इज योर फादर अगला सेंटेंस है वह कैसा है वह कैसा है हाउ इज ही चूंकि आपसे मैंने पूछ लिया आप कैसे हैं यह भी तो होगा वह कैसा है तो वह के लिए ही का यूज करेंगे और यही अगर हो वह कैसी है तो ही के जगह पर हम शी का यूज करेंगे तो वह कैसा है हाउ इज ही और वह कैसी है हाउ इज शी अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं वह कैसा है आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि आखिर मैंने यह दो सेंटेंस एक ही जैसा क्यों लिखा इसकी इंग्लिश अलग बनेगी इसीलिए इसको हम अलग तरीके से मैंने इसे लिखा चलिए इसको समझते हैं जैसे आप बोलते हैं वह कैसा है वह कैसा है और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं वह कैसा है सुनने में कई बार हो कई बार हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि वह कैसा है वह कैसी है लेकिन यह कैसा से रिलेटेड जब सेंटेंसेस हो कई बार हम पूछते हैं वह कैसा है दिखने में वह कैसा है खाने में वह कैसा है सुनने में तो हमेशा सेंटेंस अलग अलग तरीके से बनेंगे तो वह कैसा है सुनने में इसको बनाते हैं हम इसको समझते हैं कि ऐसे सेंटेंस को कैसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वह कैसा है सुनने में कि यहां पर मैं लिख रहा हूं वह कैसा है सुनने में तो चलिए इसको समझते हैं ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे हाउ डज इट साउंड लाइक चूंकि कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं कि वह कैसा है सुनने में इसके लिए हम यूज करेंगे हाउ डज इट साउंड लाइक चूंकि सुनने की बात हो रही है फिर अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं यह सेब कैसा है अभी आप ध्यान दीजिए यहां पर था कि सुनने में कैसा है सेंटेंस है वह सेब कैसा है ऑब्वियस है खाने में वह सेब कैसा है चूंकि सेब को तो सुन नहीं सकते तो वह सेब कैसा है खाने में इसको हम समझते हैं कैसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे हाउ डज यह सेब दिस एप्पल हाउ डज दिस एप्पल टेस्ट लाइक यह समझना इंपॉर्टेंट है जब सुनने में कोई सेंटेंस हो तो वहां साउंड लाइक का यूज करेंगे सेब को हम खाते हैं, हाउड दिस एप्पल टेस्ट लाइक अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं चावल कैसा है जनरली अगर हम यह पूछते हैं कि चावल कैसे हैं इसका मतलब है कि आप दाम की बात कर रहे हैं प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस के लिए हम क्या यूज करेंगे हाउ मच इज द राइस हाउ मच इज द राइस चावल कैसे है चावल कैसे है मतलब हाउ मच इज द राइस चूंकि दाम के बारे में प्राइस के बारे में बातें हो रही है आगे देखते हैं फिल्म कैसा है फिल्म कैसा है मतलब फिल्म कैसा लगा आपको फिल्म अच्छी थी फिल्म बुरी थी ये भी सिंपल बनेगा हाउ इज द फिल्म हाउ इज द फिल्म जैसे आपने बनाया वह कैसा है अब आपके पापा कैसे हैं तो फिल्म कैसा है हाउ इज द फिल्म अगले सेंटेंस जॉब कैसा है हाउ इज द जॉब जॉब कैसा है सिंपल सेंटेंस हाउ इज द जॉब अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं वह कैसी है मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर ऐसा सेंटेंस हो वह कैसा है मतलब हाल चाल अगर हाल चाल की बातें हो तो हाउ इज ही और वह कैसी है इज शी लेकिन फिर सेम सेंटेंस है वह कैसी है लेकिन इस बार मैं हाल चाल की बात नहीं कर रहा इस बार मैं बात कर रहा हूं वह कैसी है दिखने में तो यहां पर यह सेंटेंस चेंज हो जाएगा हाउ डज शी लुक लाइक मतलब यह सेंटेंस की बातें हैं दिखने में वह कैसी है दिखने में हाउ डज शी लुक लाइक दिखने की बात हो रही है सुनने में साउंड लाइक like, खाने में टेस्ट लाइक like, दिखने में लुक लाइक like. अगले सेंटेंस की तरफ देखें यह कैसे हुआ कई बार हम पूछते हैं कि यह घटना कैसे हुई होना के लिए यूज करते हैं हैपन तो आज यह सेंटेंस भी आप सीखेंगे चूंकि कैसे की बात हो रही है यह कैसे हुआ हाउ सेंटेंस पास्ट में है तो इसके लिए हम डिड का यूज करेंगे हाउ डिड इट पन इसको भी याद रखें यह या कैसे हुआ हाउ डिड इट हैपन और होना की इंग्लिश हैपन के अलावा टेक प्लेस भी यूज कर सकते हैं टेक प्लेस अकर्ड भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम यह भी बना सकते हैं हाउ डिड इट टेक प्लेस टेक प्लेस मतलब कोई भी काम घटित होना लेकिन यहां पर मैंने हैपन का यूज किया है आगे देखते हैं यह कैसे होता है यह प्रजेंट टेंस में है ऊपर में यह पास्ट में था इसलिए हाउ डिड इट हैपन और नीचे में ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है हाउ और इसमें आप यूज करें हाउ डज इट हैपन प्रेजेंट में आप यूज करेंगे हाउ डज इट हैपन यह कैसे हुआ हाउ डिड इट हैपन और यह कैसे होता है हाउ डज इट हैपन तो ये आपने लगभग इतने सारे सेंटेंसेस देखे एक चीज़ कॉमन था दैट इज कैसा है आपकी इंग्लिश अच्छी हो बुरी हो इसको हम बाद में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सेंटेंस दिन भर आप खुलकर बोलिए दिल से बोलिए ये सेंटेंस आपको हेल्प करेगा इंग्लिश के प्रति मोहब्बत जगाने में चूंकि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हम कई बार इंतज़ार करते रह जाते हैं कि एक ही बार बहुत कुछ सीख कर इंग्लिश बोलेंगे इट्स नॉट पॉसिबल आज से बोलना सीखें और इसी तरह जुड़े रहें सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन जरूर दबाएं अगले वीडियो के लिए थैंक यू सो मच